उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के वादे से सत्ता में आई बीजेपी सरकार के वादे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला हाथरस जिले का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से दिन दहाड़े चीनी व्यापारी को गोली मार दी। घटना में व्यापारी पिता पुत्र घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हाथरस जिले के चीनी व्यापारी दिनेश माहेश्वरी अपना काम खत्म कर अपने बेटे सागर के साथ घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कार सवार कुछ नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर व्यापारी की कार को रोककर उनसे मारपीट की और गोली मारकर उनकी कार और करीब 5 लाख रुपए की रकम लूट ली। लूटपाट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल व्यापारी दिनेश ने बताया कि बदमाशों की गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा था। तो आप लोग गाड़ी में कितने कितने लोग थे? वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे जिले में नाकाबंदी करके बदमाशों की खोजबीन की जा रही है। सागर माहेश्वरी और दिनेश माहेश्वरी ये अपना तकादा करके जो है जा रहे थे, तो रास्ते में मीटई के पास थाना चंपा क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने जो है इनको घेर लिया। उसमें सागर माहेश्वरी की गोली मारी है, उसके कंधे में गोली लगी है और जो दिनेश माहेश्वरी है उनके भी चोटें आई हैं। और अभी जो गाड़ी वगैरह बताई है इन्होंने, जिस गाड़ी से घटना हुई है, तो पूरा जनपद में चेकिंग के लिए बता दिया गया है। तो चेक करी जा रही है गाड़ी और सरंथा से चेकिंग कर 5 लाख रुपए भी बताया है। कैश भी बताया कि कैश भी टाइम के बाद। तो पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सूबे में अपराधियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं और ऐसी घटनाओं का होना प्रदेश सरकार के अपराध मुक्त प्रदेश के दावों पर पलीता लगाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।